नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 7 के सेकंड रिवीजन के पाठ्यक्रम के अनुसार पार्ट नंबर 9 सुमन एक उपवन के कविता का व्याख्यान करेंगे, जिसके रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी है। सुमन का मतलब होता है फूल और उपवन का मतलब होता है बागीचा। मतलब इस पोएम का मतलब यह है, हम सभी, हमारे दुनिया भर के सभी लोग एक तरह के फूल हैं और एक बगीचे के ही फूल है। ठीक है, प्रकृति के हर एक उपादान में किसी तरह से की भी कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है। वो हर एक लोगों के लिए समान भाव से अपना प्रेम प्रकट करता है। प्रकृति का हर एक उपादान, हम इंसान ही एक दूसरे को अलग करके रखते हैं। ठीक है, हम इंसान ही सोचते हैं कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे अनोखा हूं। ठीक है, इसलिए हमारे देश में जो आजकल जो सांप्रदायिक दंगा, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, हर एक चीज अलग होता है, ये सोच हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। बच्चों, हर वक्त ये सोचना कि प्रकृति के हर एक चीज हर लोगों के लिए समान मात्रा में होता है। अगर भगवान अलग होते तो आसमान भी अलग होता, धरती भी अलग होता, ये मेरा सोच है। ठीक है, भगवान अगर एक है, आसमान अगर एक है, धरती अगर एक है, एक तरह का हवा हमें मिलता है, एक सूरज की रोशनी मिलता है, तो क्यों हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। इस पाठ से हम लोग सीखेंगे कि प्रकृति जब किसी के साथ कोई पर्सनैलिटी नहीं करता है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ क्यों पर्सनैलिटी करते हैं, क्यों ये सोचते हैं कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे अनोखा हूं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म नष्ट है, ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग। इस पाठ से हम लोग ये शिक्षा प्राप्त करेंगे कि प्रकृति हम लोगों को यूनिटी में रहना सिखाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कविता को। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब, सुमन का मतलब होता है फूल, उपवन मतलब बगीचा। हम लोग इधर में कभी कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो है वो एक तरह के फूल हैं और एक बगीचे के फूल हैं। हम लोग सभी ये फूल हैं और एक बगीचे से आए हैं, ऊपर वाला हमारा जन्म देता है। एक हमारी धरती सबकी, ये जो धरती है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ये धरती हम लोगों का एक ही है। ठीक है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसके मिट्टी में, इस धरती के मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, मिले एक ही धूप हमें है, ये जो सूरज के किरणें हम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये किसी के लिए अलग अलग नहीं होता है। हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, जैन के लिए अलग, सभी धर्म के लिए अलग अलग नहीं होता है। सबको एक समान ताल से वो सूरज की रोशनी मिलता है। ठीक है, सींचे गए एक जल से हम, और एक ही जल की स्वाद लेकर हम लोग बड़े होते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हम एक पवन के, पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में, पल्लों में का मतलब होता है इधर में झूला, जो बचपन में झूला झुलाया जाता है। ठीक है, एक समान ताल से, जैसे मम्मी तुम्हें गोद में उठा के ऐसे लोरी सुनाते हुए ऐसे सुनाती है, वैसे तुम्हारे धर्म में भी अगर सुनाया जाएगा, हिंदू धर्म के बच्चे को भी ऐसे सुनाया जाएगा, इस्लाम धर्म के बच्चे को भी ऐसे सुनाया जाएगा, जैन के बच्चे को भी ऐसे सुनाया जाएगा। सेम ताल से हम लोग बड़े होते हैं, एक समान के हम लोग को परवरिश मिलता है। ठीक है, सूरज एक हमारा जिसकी, एक ही सूरज है हमारा, जिसकी किरणें ऊर की कली खिलाती, जिसकी किरणें क्या करता है, ऊर की कली, फूल की कलियां, अविकसित फूल, कली मतलब अविकसित, जो छोटा छोटा कलिया होता है वो खिलाती है सूरज की रोशनी पड़ने के बाद। सुबह उठने के बाद जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ता है, रात तक वो कली बन के रहता है, और रोशनी पड़ने के बाद वो खिल जाता है, तब वो फूल बनता है। ठीक है, तो एक ही सूरज की रोशनी हमें मिलता है, तो क्यों हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्यों एक दूसरे से, ये सांप्रदायिकता हमारे दिल के अंदर घर करके बैठा हुआ है, ये सबको निकालना पड़ेगा। एक हमारा चांद, एक हमारा चांद भी एक ही है, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती है, और उसकी जो चांदनी, उसकी जो रोशनी पड़ती है, जो हमें नहलाती है, स्नान करवाती है, ठंड गर्म के मौसम में रात के चांद की रोशनी में हमें ठंडक महसूस होता है, ठंडक लगता है। ठीक है, मिले एक से स्वर हमको है, ये जो गले का आवाज है ये एक तरह का ही है, किसी का थोड़ा लाउड है, किसी का थोड़ा
बोल्ड है, किसी का थोड़ा पतला है, लेकिन एक समान ही है। भमरों के मिले एक ही सर हमको है, भमरों के मीठे गुंजन के। भमरा मतलब एक काले रंग का पतंग या फरिंग बोल सकते हो आप लोग, जो फूल के ऊपर गुनगुना कर चलती है। तो उसके साथ हम लोगों का तुलना किया गया है कि एक समान ताल का रंग हम लोगों को मिलता है, रंग नहीं, एक समान ताल का स्वर मिलता है हम लोगों का, है, फिर भी हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप क्यों, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, ये जो रंग रंग के रूप हमारे हैं अलग अलग है। क्यारी क्यारी, किसी का दही घटन, क्यारी मतलब दही घटन को कहा गया है। कभी ने सुंदर बोला है कि किसी का दही घटन देखना थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, लेकिन हाथ दो ही है, पैर दो ही है, सब कुछ अलग नहीं है, अलग अलग है। क्यारी क्यारी, रंग रंग के रूप हमारे, रंग रंग के रूप, कोई सफेद, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई काला, ऐसे रंग रंग है हम लोग। और क्यारी भी हम लोगों का बॉडी का टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। लेकिन ये दुनिया जो चलता है, इसकी जो सुंदरता चारों तरफ फैलती है, हैं, जो सोचो कि भारत देश की अगर प्रशंसा किया जाए तो भारत देश में हर धर्म के लोगों ने अपना अपना मूल्यवान जीवन उसको दिया था, इसलिए भारत आज दुनिया के शिखर में ऊंचे स्थान पर है। अगर हर एक धर्म के वाले ये सोचते कि नहीं, मैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, और ये भारत मेरा कुछ नहीं है, तो देश में जो सैनिक जाते हैं ना, उसमें कोई नहीं देखता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सैनिक तो सैनिक ही होता है। तो हम इंसान भी यही सोच रखेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, ना ये सोचेंगे कि हम किसी से अलग है। ब्लड बैंक में जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता है कि ये खून जो मेरे शरीर पे चढ़ाया जा रहा है वो हिंदू का है या मुस्लिम का है। लेकिन रास्ते में जब एक्सीडेंट हो जाता है तब कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि ये मुस्लिम का है, ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये हिंदू का है, ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये सोचते हैं। ये जो सोच है ना, ये सबसे खराब सोच है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से मिलकर ही चलते हैं, ठीक है। एक हमारा माली, इधर में कभी ने खूब सुंदर बोला, एक हमारा माली, ये जो भगवान है ये एक है। अगर ये भगवान एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं रह सकते। अगर भगवान अलग अलग होते, अगर ईश्वर अल्लाह जो है वो अगर अलग अलग होते तो आसमान भी हमें अलग मिलता, धरती भी हमें अलग मिलता। तो ये सब चीज उन लोगों ने समान ताल से भेजा है, और हम ही हमारे दिमाग में घर बैठ के बैठा के बनाकर बैठ गए कि हम सभी लोग अलग अलग हैं। हम सब रहते नीचे एक गगन के, और गगन मतलब आकाश होता है, और हम सभी लोग ही उस गगन के नीचे रहते हैं। ये थी कविता। तो कविता में ये जो प्रकृति के विविध उपादानों हैं, ये उपादाने हमें ये शिक्षा देता है कि बच्चों बड़े हो जाओ, हैं, इतने बड़े हो कि लोगों के दिमाग में ये सोच को हटाना है आप लोगों को कि हम सभी अलग नहीं हैं, हम सभी धर्म वाले लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, तो ही देश की उन्नति होगा, तो ही देश मतलब दुनिया भर के शिखर में उच्च स्थान पाएगा। ये थी कविता। अगर इस कविता में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।